नमस्कार, मैं दोस्तों मैं हूं दीपक वर्मा। ऑल इन वन चैनल में आप सभी भाई का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि आप मेरे भाइयों ने अपने घर में गीज़र तो लगाए होंगे। अगर आपका गीज़र बार बार ख़राब हो रहा है, पानी कम गर्म कर रहा है, या फिर आप उसमें पानी डालते हो वो तुरंत निकलना बाहर शुरू हो जाता है, या फिर आपका एलिमेंट जो गीज़र में लगा होता है वो सड़ जाता है, तो आप उस समस्या का हल किस तरीके से निकाल सकते हो, मैं इस वीडियो में यही दिखाने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जे 25 लीटर गीजर की असेंबली है। तो इस असेंबली में जे प्रॉब्लम थी, इसमें एक छोटा सा सुराख हो चुका है। आप देख सकते हैं जे सुराख हो चुका है, जिसके कारण जे गीजर पूरी तरह से फुल नहीं हो पाता था और इसमें जो एलिमेंट लगा था वो बार बार सड़ जाता था और अच्छी तरह से जे पानी गर्म नहीं करता था। इसमें यही समस्या थी। तो इस समस्या को हम आपके सामने ही सॉल्व करवाएंगे, जे किस तरीके से सॉल्व हो गई। अगर आपके गीजर में भी यही प्रॉब्लम है तो आप अपने गीजर को चेक करें। अगर वो तुरंत पानी निकलना शुरू कर देता है तो समझ ले आपके गीजर में, गीजर की जो असेंबली है उसमें प्रॉब्लम है। तो अगर आपके गीजर की जो असेंबली पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है तो आप नहीं डलवा सकते हैं। तो पर ये जो हमने असेंबली ली है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें एक छोटा सा सुराख है, हम इस सुराख को बंद करवाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, ये भी हम समस्या आपको ठीक करवा के दिखाते हैं, ये किस तरीके से ठीक की जाएगी। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि गीज़र में क्या प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण गीज़र बार बार ख़राब होता है, जहाँ सड़ जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।